हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफ डिफेंस प्रिपरेशन में आपका इस चैनल पे स्वागत है। डिफेंस ऑफ डिफेंस प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे सभी प्रकार की डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है और नई नई वैकेंसी हैं डिफेंस से रिलेटेड और सभी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और फॉर्म फिल करने का तरीका बताया जाता है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकल के आई है, जो कि इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ये वैकेंसी सुपरवाइजर फायरमैन, फिटर ट्रेड्समैन, मेट स्टेशन ऑफिसर, इंजन ड्राइवर स्टेशन ऑफिसर, ठीक है, इक्विपमेंट रिपेयर एंड वाशरमैन, सब 10th पास और ITI के लिए वैकेंसी है। 10th पास में कुछ कुछ वैकेंसी है, कुछ कुछ वैकेंसी 10th पास प्लस ITI वैकेंसी है। तो दोस्तों वीडियो खूब सारा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें इस चैनल को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी दोस्तों भाइयों को पता चले और ये फॉर्म भर सकें सभी लोग। इसमें कुल पोस्ट आपका 29 पोस्ट है, जिसमें कि सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये ASC यूनिट से ज्यूरिडिक्शन ईस्टर्न कमांड से आया है वैकेंसी, सुपरवाइजर का है, जिसमें फायर इंजन ड्राइवर का पोस्ट आया है दोस्तों, जिसमें फायर इंजन ड्राइवर का पोस्ट है। पे स्केल देख लीजिए 21,700, बहुत बहुत अच्छा पे है। लास्ट डेट 18 अगस्त है दोस्तों, तो जल्दी 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 करें, जल्दी से फॉर्म ये ऑफलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। कैसे अप्लाई करना मैं सभी जानकारी दूंगा इस फॉर्म के बारे में, कैसे फिल करना है इसे ऑफलाइन। एक ये लिफाफा में भर के पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको ये भेजना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट करके, स्पीड पोस्ट करके आप नहीं भेज सकते हैं, जो कि आपको ये इस जगह इस लोकेशन पर भेजना है। फायरमैन ट्रेड्समैन मेट के लिए है जो वैकेंसी, चौकीदार कुक वाशरमैन CMD ये वैकेंसी आपको, कमांडिंग ऑफिसर 5133 ASC BN पिन 905133 कमांडिंग ऑफिसर 99 APO पास आपको भेजना है, ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा। स्केल ऑफ पे रहेगा, देखिए आपका सब यहाँ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि आप मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये ऑफिशियल है दोस्तों, तो आपको ये ऑफलाइन मोड से भरना है इस फॉर्म को, फॉर्म को फिल करके भेजना है आपका यूनिट पे, वहाँ से कॉल लेटर आएगा आपका, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, ये फायरमैन इंजन ड्राइवर का जो पोस्ट है, दो वैकेंसी है, जिसमें कि दो जनरल कैटेगरी का पीपल जो है बिलोंग करते हैं वो भर सकते हैं। इसमें खाली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 10th स्टैंडर्ड पास और इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट वो चाहिए, और 3 साल का ड्राइविंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, और फिजिकल फिट होना चाहिए। मेडिकल भी टेस्ट होगा आपका, हाइट 165 होना चाहिए विदाउट शूज, 2.5 सेंटीमीटर छूट भी दिया जाएगा अलग अलग जो SC ST हैं उन लोग से, शेड्यूल टाइप्स हैं उनको, उनके लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए चेस्ट के लिए चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर है, और बिना फुलाए 85 सेंटीमीटर होने, मतलब फुला के 85 सेंटीमीटर, और ऐसे मतलब 82 सेंटीमीटर मान के चलिए, वेट 50 kg मिनिमम होना ही चाहिए। आपको इंड्योरेंस टेस्ट भी किया जाएगा, ठीक है ना, ये हेवी व्हीकल के लिए, हेवी व्हीकल वाला जो पोस्ट है, ड्राइवर का जो पोस्ट है, आपको 65 kg का वेट भी उठा के दौड़ना पड़ेगा, फिर जाके आपको 96 सेकंड में 183 मीटर दौड़ना होगा, मतलब 200 मीटर आपको दौड़ना होगा 96 सेकंड में, ठीक है ना। 2.60 मीटर वाइड डिच पार करनी होगी, मतलब आर्मी की, कुल मिला के आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिजरेबल है। और बाकी आपको शुड बी फेमिलियर विथ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन वेरियस टाइप ऑफ फायर अप्लाइंसेस, फायर जितना भी अप्लाइंसेस हैं ये सब आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, एक्सपीरियंस ये सब रहना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं नेशनल फायर सर्विस से, मतलब ये सब हो भी सकता है, नहीं भी होगा चलेगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है फायरमैन का वैकेंसी, जो कि यहाँ पे है, दूसरा फायरमैन का वैकेंसी है, और आपका 10th पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पे। दूसरा आपका जो मांगा गया है, दूसरा चीज़ फायर एक्सटिंग्विशर का आपको चाहिए, बाकी आप नोटिफिकेशन में डिटेल करके पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से पहले। और चलिए मैं दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट जानकारी जो जो है, सभी में 1.65 हाइट होना ही चाहिए विदाउट शूज़, बहुत ही मैंडेटरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ट्रेसमेंट मेट का जो है ये सब 10th लेवल पोस्ट पर है, खाली 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, हाँ। और चौकीदार जो पोस्ट है उसमें 18,000 सबका पे स्केल है, ठीक है ना दोस्तों। 10th स्टैंडर्ड पास इक्विवेलेंट होना चाहिए, कंजर्वेशन विद ड्यूटी ऑफ द ट्रेड विथ 1 ईयर, 1 साल एक्सपीरियंस भी सब में खोज रहा है, कुक का भी 1 साल एक्सपीरियंस खोज रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ एसेंशियल चाहिए सब में, 10th पास है, 10th पास है। ये वाशर मिलिट्री क्लोथ भी धोना आना चाहिए, देखिए इस फिर वाशरमैन के लिए धोबी जो है उसके लिए मिलिट्री क्लोथ धोना आना चाहिए। फिर सिविल मोटर ड्राइवर का वैकेंसी 19,900 का पे है, पे स्केल इसमें 10th स्टैंडर्ड पास चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, आपका 2 साल का प्रूफ होना चाहिए मैंडेटरी ये सब, और कोई भी व्हीकल चलाने का मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी व्हीकल जैसे ट्रक व्रक,
तो आर्मी में जितने भी ट्रक होते हैं, ट्रक हो गया, बड़ा बड़ा वैन हो गया, वो सब चलाने का आपका ड्यूटी दी जाएगी। ये सब पोस्ट का यही ड्यूटी है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भी अभी हैं जिनके पास वैलिड लाइसेंस है, आईडी प्रूफ है, तो ये फॉर्म को भर सकता है, ऑफलाइन फॉर्म है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब है, आपका अच्छा सा पे स्केल भी दिया जा रहा है आपको, आपको यहाँ पे आपका यहाँ पोस्टिंग भी होगा। जो पिन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर या असम में होगा ये, वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा पिन डाल के गूगल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी। देखिए ये फायर फिटर जो है, मतलब सब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और डिजरेबल क्वांटिटी है, आना चाहिए। चिन अप जो है 9 को चिन अप लगाना होगा, सीट अप से 35 को। देखिए यहाँ पर पुशअप्स 25 को मारना है, टू क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट एक होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, ये सब डिजरेबल है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि हेवी व्हीकल का, और मिनिमम 2 व्हीलर 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सभी टाइप का व्हीकल को चलाने के लिए, और बहुत सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो जिनके पास ये सब है वो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जितना भी नए नए वैकेंसी हो सके डिफेंस से रिलेटेड मैं लाता रहूँ, आप लोगों को सभी को पता चल सके कि कौन कौन से वैकेंसी आ रही है, और यहाँ पे सभी को जॉब मिल सके एक करेंट अपडेट में। 20 से 22 साल के उम्र में ही एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 25 साल मैक्सिमम रखी गई है सभी कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। रिलैक्सेबल भी मिलेगा 2-3 साल सभी को, SC ST को। और देखिए कैसे फॉर्म को भरना है, एक आपको लिफाफा लेना होगा, 2 लिफाफा लेना होगा, बड़ा और एक छोटा। तो एक छोटा लिफाफा में देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा हुआ रहना चाहिए, वही वाला आपको लिफाफा लेना होगा, और उसमें जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट भरना होगा, और आपको सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपको सब फिल करके सबमिट करना होगा। आपको सभी अटेस्टेड कॉपी, आपको सभी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करके सेल्फ साइन करके सभी को फोटोकॉपी आपको देना होगा। देखिए पहला यहाँ पे है, यहाँ पे अटेस्ट करके देना होगा, पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, मतलब आधार कार्ड भी दे सकते हैं, 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो वाला वो आपको देना होगा, जो कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए चाहिए, फिर सर्टिफिकेट अवार्ड टू अप्रोप्रिएट लेवल, मतलब गेम स्पोर्ट है तो उसमें भी आपको कुछ ये मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिखा गया ना, गेम स्पोर्ट वाले लोग के लिए छूट भी दिया जाएगा। देखिए Appendix 1 में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, बार बोल रहा हूँ, ये न्यू चैनल है, जो कि आपको बहुत सटीक डिफेंस की एक भी कोई भी डिफेंस की जॉब निकले, छोटा से छोटा भी एक पोस्ट के लिए भी हो, तो मैं उस पर वीडियो लाता रहता हूँ, उस पोस्ट का जानकारी देता रहता हूँ, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। एक ही पोस्ट उन्हें चाहिए होता है एक जॉब लगने के लिए, तो कोई भी पोस्ट हो, 24 पोस्ट हो, 29 पोस्ट हो, मुझे ये नहीं देखना है, हमें फॉर्म फिल करना और डिजायरेबल हैं उसके लिए, योग्य हैं तो उन्हें फॉर्म को फिल करके और उसकी तैयारी करके हमें उस जॉब को पाना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लाइफ में, ठीक है। तो जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे इस चैनल में सभी टाइप की, इस सबसे रिलेटेड जितने भी जॉब होंगे सभी टाइप की जानकारी, प्लस प्रिपरेशन, प्लस क्या क्या मांगता है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सभी चीज़ की जानकारी दी जाएगी। कैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है सबका, क्या क्या कैसे कैसे होता है, और कोई भी तरह की दिक्कत आएगी दोस्तों फॉर्म फिल करने में तो आप मुझे बता दीजिएगा, कि अगर वीडियो बनाना होगा कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कैसे कैसे इसको फॉर्म को फिल करके ASC पे भेजना है। तो पहले यहाँ पे इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना होगा, प्रिंट निकलवाना होगा, सब इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाना होगा। देखिए यहाँ पे नाम लिखना होगा आपका, आपका नाम लिखना होगा, पहले पोस्ट का नाम लिखना होगा, फिर रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे देखिए ये वाला जगह पे आपको पहुँचाना होगा, ठीक है ना। कमांडिंग ऑफिसर CO 99 APO, असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर जो भी है, मतलब वहाँ पे भजा, आर्मी कैंप में भजाना होगा, आर्मी डिपो में भजाना होता है, इस फॉर्म को सेंड करना होता है, यहाँ फोटो आपको चिपकाना होगा विथ सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना होगा, जो पोस्ट आप भरे हैं फर्स्ट नंबर में, सेकंड नंबर में कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, जो कि ब्लॉक लेटर में होगा, फादर का नाम लिखना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, होम एड्रेस जो होता है करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों डालना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो बोलता है कि जो टेम्प्रोरी आप रह रहे हैं अभी जहाँ पे, उसके लिए पुलिस स्टेशन स्टेट सब आप डाल सकते हैं, अपना पिन कोड डाल दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1, 2, 3 जितना भी है सब डाल सकते हैं आप, ITI अगर हैं तो ITI का भी सर्टिफिकेट आपको सब चीज़ अटेस्ट करना होगा, फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट करना होगा, सेल्फ अटेस्ट करके आपको ये फिर सेल्फ अटेस्ट करके पिन अप करके सबको एक साथ एक लिफाफा में भर के सेंड करना होगा, एड्रेस लिख के, जो कि इनवेलप में लिखिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, फिर टू द
इस टाइप से लिखना होगा, जैसे एप्लीकेशन में लिखते हैं टू द, ये एड्रेस पे लिखिएगा टू कमांडिंग ऑफिसर इतना इतना इतना, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 1, 2, 3 आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट आप लिख सकते हैं, कैटेगरी कैसे, जो कैटेगरी है उसको आपको चूज करना होगा। फिर जाके कोई इसमें से किसी भी चीज़ में 8B में से आप किसी में बिलोंग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अदर्स हैं तो ठीक है वो भी चलेगा। अगर फिर एक्स सर्विस मैन अगर हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से तो उसको आपको देना होगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा इस पैरा को नो नील करके, ठीक है। दोस्तों कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं डिटेल फॉर्म फिल करके बता दूंगा। इसका लास्ट डेट 18 अगस्त है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भर के ऑफलाइन भर के सबमिट करें, ताकि फॉर्म आसानी से 10 दिन पहले आप भर के, आज ही से भरना, आज या कल से भर के आप इसे पोस्ट ऑफिस में जाके रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, इसे रजिस्टर्ड पोस्ट करके आप भेज सकते हैं दोस्तों। तो विदाउट एनी देरी, बिना किसी देरी किए आप लोग जल्दी जल्दी भरिए, और यहाँ पे सब चीज़ लिख के जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप लोग उसको अटैच कर दीजिएगा, जो जो आपके पास क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी का कॉपी, एक एक कॉपी करा के सब में नीचे में साइन अटैच करके, और फोटो के नीचे यहाँ पे फोटो लगाइएगा। 3 फोटो भेजना है, एक एडमिट कार्ड के लिए डिक्लेरेशन लिखना होगा, ये देखिए एडमिट कार्ड आपका आएगा इसमें, उधर से एक खाली लिफाफा भी भेजिएगा जिसके कारण आपका एडमिट कार्ड भी आ सके, उसमें अपना आप सेल्फ एड्रेस डाल के लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, फिर 2 प्रीतम कुमार शाह, मतलब या मेरा नाम प्रीतम कुमार शाह है तो मैं प्रीतम कुमार शाह भी लिख सकता हूँ, या आप जो आपका जो भी नाम है वहाँ से 2 लगा के, क्योंकि वो भेजेंगे आपका एडमिट कार्ड, तो वो एड्रेस ही लिखना चाहिए, आपका सेल्फ एड्रेस होगा, सेल्फ एड्रेस इनवेलप में भी भेजना होगा आपको एक्स्ट्रा, और एक आप जो लिफाफा भेजिएगा, मतलब 2 लिफाफा भेजना है, एक बड़ा लिफाफा, एक छोटा लिफाफा, छोटा लिफाफा बड़ा लिफाफा के अंदर में, और ये सब फॉर्म का पिनअप करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको बड़ा सा लिफाफा में डाल के, दोनों सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप और ये दोनों में की डाल के, और कुछ जाके आपका इस क्या बोलता है पोस्ट का डाक टिकट जो होता है वो भी लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में जो जो बोला है, इंपॉर्टेंट था जो जो मैं बता चुका हूँ इसे, और खूब सारा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिसको जिसको भी रिक्वायर्ड होगा वीडियो ये फॉर्म का वो भर सकेंगे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो भर सकेंगे, ITI जो किए हैं, ब्लैक स्मिथ का भी है पोस्ट, जो क्योंकि जो मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं सिविल डिप्लोमा से ITI से, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए यहाँ नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना फादर्स नेम, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, एप्लीकेशन एक्सेप्टेड रिजेक्टेड, उसका रीजन, मतलब सब वो भर देंगे, ठीक है ना। आप अपना ये सब भरिएगा, ये 5 नंबर पॉइंट छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पॉइंट छोड़ दीजिएगा, बाकी आप यहाँ तक खाली बस ये पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा, हमको लगता है नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम सिर्फ आप लिख सकते हैं, बाकी एड्रेस लिख सकते हैं, बाकी सभी चीज़ छोड़ दीजिएगा, 4 नंबर तक लिखिएगा। बाकी देखिए आपको यहाँ पे नोट लिख दिया, प्लीज अफिक्स लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ फिलअप कॉलम 1 to 4 ओनली, फिलअप कॉलम 1 to 4 ओनली, आपको 1 से 4 कॉलम खाली फिल करना। देखिए यहाँ पे नोट भी लिख दिया, सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए, बाकी यहाँ पे 4-3 फोटो उसके साथ भेज दीजिएगा, बाकी आपका ये आ जाएगा, कॉल लेटर अगर आने का होगा तो आ जाएगा, बाकी किसी भी डाउट होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी वीडियो का डिमांड करेंगे मैं बना दूंगा, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डिफेंस ऑफ डिफेंस प्रिपरेशन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी को इस न्यूज का नोटिफिकेशन का पता चल सके, और ये मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत।